नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक में सुरक्षित भी होंगे। आज के इस वीडियो में आपसे बोन टीबी के बारे में बात करूँगा। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। यह मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, परंतु फेफड़ों से यह बॉडी के अन्य भागों पर भी फैल सकता है। तो जो बोन का टीबी होता है यानी ट्यूबरकुलोसिस, यह मुख्य रूप से हमारे स्पाइनल वाले बोन पे यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इस भाग में होती है। इस भाग में यह खून के वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू से पहुंचता है। एक बार यह यहाँ पहुंचने के बाद यह इन्फेक्शन क्रिएट करता है और इसके कारण इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। बोन टीबी को पॉट्स पैन के नाम से भी जाना जाता है। बोन टीबी आइसोलेटली नहीं होता, इसका मतलब यह है कि इसके लिए प्राइमरी फोकस यानी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का सोर्स बॉडी के अन्य हिस्सों में होना जरूरी होता है। यह डायरेक्टली बोन पे नहीं पहुंचता, शरीर के अन्य अंग जब इसे प्रभावित होते हैं तो वहां से यह बोन पे पहुंचता है। पॉट्स पैन यानी बोन टीबी के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? मुख्य रूप से इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट लॉस, वजन का न बढ़ना, कपड़ों का ढीला होना, भूख न लगना, शाम शाम में फीवर आना, यानी जो ट्यूबरकुलोसिस के जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम इसमें भी आते हैं। इसके साथ साथ आपके स्पाइन के किसी एक हिस्से में काफ़ी दर्द होगा। यह पूरे स्पाइन को प्रभावित करता है, पर मुख्य रूप से यह हमारे छाती वाले स्पाइन पे ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी स्पाइन की मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है, यानी उस पर अकड़न हो जाती है। साथ ही साथ स्पाइन के किसी एक हिस्से में काफ़ी पेन होगा और फीवर आएगा। कई बार आपके पीठ में एक उभार भी होता है जिसे हम काइफोसिस कहते हैं। ये सारे इसके प्रमुख क्लिनिकल लक्षण होते हैं। इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? इसे डायग्नोसिस के लिए किसी विशेष टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मली या हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही इसकी डायग्नोसिस बन जाती है। आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको एक्सरे के लिए बोल सकते हैं। एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के किन किन वर्टिब्रा को इन्वॉल्व किया है और यह डैमेज कितना ज़्यादा है। मोंटॉक्स टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे ये पता लगा जाता है कि बॉडी के अन्य हिस्सों में टीबी है या नहीं। इसकी मुख्य इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई होता है, एमआरआई यानी रंगीन फिल्म। इस एमआरआई की सहायता से हम यह बता सकते हैं कि यह हमारे बॉडी के कौन कौन से वर्टिब्रा को अफेक्ट किया है। साथ ही साथ जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो नसें होती हैं जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कितना डैमेज है, उस पर कितना कंप्रेशन है, और यह इसकी प्रोग्नोसिस को भी बताता है, यानी इसमें और आने वाले टाइम पे इस मरीज़ को और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि टाइमली इसका डायग्नोसिस और इसका इंटरवेंशन ना हो तो मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके मुख्य कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो शरीर के दोनों हाथ पैर में पैरालिसिस भी हो सकता है। यह बहुत ही एडवांस स्थिति में होता है। एक बार इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम इसके डायग्नोसिस जानने के बाद आइए हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट में दो तरह की मॉडलिटी होती है, एक जिसे बिना सर्जरी के सहायता से भी ठीक किया जा सकता है, दूसरा सर्जरी की सहायता से भी ठीक किया जा सकता है। सर्जरी कब करनी होती है इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। इसके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद ATT यानी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ATT से 90% जो केसेस होते हैं बोन टीबी के वो ठीक हो जाते हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका रामबाण इलाज होता है। बट अगर इसे ठीक नहीं होता तो हम सर्जरी की ओर जाते हैं। सर्जरी के बारे में जानने से पहले कुछ और इसके क्या क्या एडिटिव ट्रीटमेंट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ATT के अलावा आपको बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाए रखना है, इम्यूनिटी बढ़ाए रखना है। नॉर्मली टीबी उन लोगों को ज़्यादा कॉमन होता है जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो ATT खाने के साथ साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट, बैलेंस डाइट और आपको एक्सरसाइज, आपको इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा जिससे बॉडी के अन्य हिस्से और प्रभावित ना हो। अगर आपके ATT लेने के बाद भी आपका ये सारे साइन और सिम्टम नहीं जा रहे हैं और आपकी कैफोसिस बढ़ रही है, आपके हाथ पैरों में लकवा जैसी स्थिति बन रही है और आपके हाथ पैर की जान कम हो रही है और लगातार आपके न्यूरोलॉजिकल जो डिटोरिएशन हो रहा है यानी आपके हाथ पैरों की
पावर में कमी आ रही है, सुन्नपन हो रहा है, आपको छूने का पता नहीं लग रहा है, ये सारे अगर सिम्टम आते हैं तो हम सर्जरी की ओर जाते हैं। इसकी सर्जरी में आपके जो एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, यानी जो स्पाइन सर्जन होते हैं या ऐसे सर्जन जो इस सर्जरी को रेगुलरली कर रहे हैं, उनके पास आपको जाना होता है। वो इसे एंट्रोलेटरल डिकम्प्रेशन या ALD कहते हैं। इस सर्जरी की सहायता से आपके जो स्पाइन के अंदर जो मवाद होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, तुरंत पेन कम होता है और धीरे धीरे सर्जरी के कुछ दिनों में आपके पैरों की जान और आपका न्यूरोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सर्जरी के भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और अधिकतर मामलों में जहाँ चीज़ें मेडिसिन से ठीक नहीं होती, सर्जरी से ठीक हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बोन TV यानी पॉट स्पैन के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।